नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैंकिंग सक्सेस में। दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि 3 महीने में RRB PO कैसे बने। यानी अगर बात की जाए RRB PO एग्जामिनेशन की, तो जो प्री का एग्जामिनेशन आपका है वो आपका होना है 3 अगस्त, यानी 3 अगस्त को आपका प्री का एग्जामिनेशन है। 3 से स्टार्ट होंगे आपके एग्जामिनेशन और ये आगे चलते जाएंगे। 22 सितंबर को इसका जो है वो मेंस एग्जामिनेशन है RRB PO का इस साल का। तो इस सभी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे, किस तरह से करें, करना है क्या क्या, आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक अनअकैडमी का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप कोर्सेज रीजनिंग के जितने भी कोर्सेज हैं, अगर आपकी पजल कमज़ोर है, कोई भी आपका टॉपिक कमज़ोर है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। पजल के वहाँ पे कम से कम 50 ऐसे वीडियोज़ है जो बेसिक टू आई है, जिसमें हर एक चीज़, हर एक कंडीशन आपकी क्लियर की गई कि बेसिक वाली पजलें कैसी की जाती है, मेंस वाली पजलें कैसी की जाती है, प्री वाली पजलें कैसी की जाती है, और जो बड़ी बड़ी पजलें होती हैं उनको सोल्व कैसे करना है, इनकी ट्रिक भी वहाँ पर बताई हुई है। तो चलिए बात करते हैं देखिए RRB PO के लिए 3 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है अपने पास, लगभग अपने पास 100 डेज बाकी है। प्री के एग्जामिनेशन की अगर बात करें, मेंस का एग्जामिनेशन के लिए 4 महीने आपके पास है। तो अगर आप प्री क्लियर करना चाहते हो तभी तो आप मेंस के अंदर जाओगे। जब प्री आपका क्लियर होगा तो प्री के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है वो देखिए। अब 3 महीने के अंदर कोई बच्चा अगर कह रहा है कि मैं आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ सर, क्या मैं 3 महीने के अंदर मेरा एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा RRB PO का, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ आपका डेडिकेशन चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, आपकी स्किल चाहिए, आपका टाइम चाहिए, तभी ये क्लियर हो पाएगा। 3 महीने के अंदर अगर आप डेली के 8 से 10 घंटे तैयारी कर रहे हो हर एक दिन के अंदर, तो 3 महीने के अंदर आपका आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा प्री का, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस, पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए पहले मंथ में, और लास्ट के 2 मंथ में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, जितनी हो उसके प्रैक्टिस कीजिए। मानता हूँ कि 1 महीने के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट रीजनिंग मैथ के क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर आप 1.5 महीने के अंदर क्लियर कीजिए, लास्ट के 1.5 महीने आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी प्रैक्टिस के बिना यहाँ पे कुछ नहीं है। जितनी ज़्यादा आप ऑनलाइन ऑफलाइन प्रैक्टिस करोगे, सबसे पहले आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है। ऑफलाइन कोई भी बुक ले लीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए उसमें से, और जो मार्क्स आपके आ रहे हैं टाइम लगा के, विद टाइम। अब टाइम कितना लगाना है देखिए, ऑफलाइन अगर आप मॉक दे रहे हो तो उसके अंदर क्या है कि 80 क्वेश्चन होंगे, और एग्जामिनेशन के अंदर आपको 45 मिनट्स मिलते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट्स लगाने हैं जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो ऑफलाइन, उसके अंदर कितना टाइम लगाना है, 35 मिनट। अगर 35 से एक भी मिनट ऊपर होता है तो आपको टेस्ट बंद करने देना चाहिए, आपके 40 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट क्यों ना हो रहे हो। और दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो रहे हो उनके अंदर आपकी एक्यूरेसी कितनी, अगर आप 40 कर रहे हो तो 40 के 40 एक्यूरेट होने चाहिए। ये नहीं है कि आप सर इसका आंसर 3 या 2 में से 1 होगा तो सर लगा देते हैं 2, तो ऐसे नहीं चलेगा जी। ऐसे अगर करोगे तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी तो सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप 80 के 80 करके आ जाना, क्योंकि नेगेटिव से कुछ नहीं होता। यहाँ पे जितने आप पॉजिटिव करके होगी, जितनी आपकी एक्यूरेसी होगी, उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। देखिए अगर लास्ट ईयर की अगर बात करें तो एक स्टूडेंट से मार्क्स प्री की बात करें तो उसने 42 अटैम्प्ट किए थे, उसके मार्क्स थे 50, इतने ज़्यादा नंबर उसके बढ़ के आए थे, उसकी शिफ्ट के अनुसार उसकी नॉर्मलाइजेशन हुई थी और उसकी एक्यूरेसी के नंबर मार्क्स उसको मिले थे। और एक स्टूडेंट जिसने 65 किए थे और उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करती है। जो आपका नॉर्मलाइजेशन लगता है वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ सिर्फ एक्यूरेसी मैटर करती है, आपकी कितनी एक्यूरेसी एग्जामिनेशन के अंदर। तो अब इस अगर आप क्लियर करना चाहते हो RRB PO तो क्या करना होगा, सबसे पहले मैथ और रीजनिंग के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितने भी टॉपिक है, उसकी वीडियो इंडिविजुअली बनाई हुई है मैंने कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक बैंक एग्जाम में आते हैं, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक बैंक एग्जाम में आने, तो मैथ और रीजनिंग को क्लियर करना पड़ेगा सबसे पहले। अर्थमेटिक से लेके, पजल से लेके, जितने भी टॉपिक आपके हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं वहाँ, वो मैंने अपने चैनल पर डिस्कस किए हैं, तो अपने चैनल पर जाके पजल्स के भी वीडियोज़ पड़े हैं और मैथ के भी DIs वगैरह, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, उनके बेसिक के सारे वीडियोज अपने YouTube चैनल पे पड़े हैं, तो आप जाके देख सकते हो। और इसी के साथ पजल्स के लिए अनअकैडमी पे जाइए आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो अनअकैडमी लिंक आप डाउनलोड कीजिए, एजुकेटर मैच विष्णु को फॉलो कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा पजल्स की वीडियो। मैथ और रीजनिंग के साथ साथ दोस्तों आपको GA और हिंदी और कंप्यूटर को भी, हिंदी और कंप्यूटर को आप अल्टरनेट डेज पर कर सकते हो, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हो, पर GA को आप रेगुलर रखना पड़ेगा। मैथ, रीजनिंग और GA 3 सब्जेक्ट ही आपको रेगुलर रखने हैं, और जो आपका कंप्यूटर और हिंदी है उसको आप अल्टरनेट डेज पर कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक लेनी है, हिंदी के लिए कौन सी बुक लेनी है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दिया जाएगा पूरा कंप्लीट प्रोसेस।
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।